श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर से शोधकर्ताओं ने इस बारे में खोज की। हो सकता है आज भी रावण गुफा में रावण का शव मौजूद हो, क्योंकि शोधकर्ताओं का मानना है कि आज तक रावण की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। किंतु एक सवाल अब भी बाकी है कि क्या आज भी रावण का शव मौजूद है, जिसके बारे में आपको बता दें कि राम कथा के लिए सबसे पुरानी पुस्तक यदि कोई है तो वो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। इसी संबंध में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में कही गई दो चौपाइयों में बताया है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, अर्थात भगवान की कथा या गाथा उतनी ही अनंत है जितने हरि या भगवान स्वयं अनंत हैं। दूसरी चौपाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात देखने वाले की भगवान के लिए जैसी भावना होती है उसे भगवान वैसे ही नजर आते हैं। तो इस प्रकार भगवान राम की अनंत लीलाओं की हर गाथा में हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कहते हैं रामायण के छठे युद्धकांड के 108वें अध्याय के अनुसार राम भगवान विभीषण की बताई हुई विधि द्वारा रावण का वध करते हैं। इसके पश्चात अध्यायों में विभीषण और मंदोदरी के विलाप वगैरह का वर्णन है। वहीं युद्धकांड के 111वें अध्याय के श्लोक 102 के अनुसार राम विभीषण को रावण का अंतिम संस्कार करने की सलाह देते हैं। इसी अध्याय के श्लोक 120 से 125 के अनुसार भगवान राम की आज्ञा के बाद विभीषण ने पूरी राजकीय सम्मान के साथ सभी लंकावासियों की उपस्थिति में पूरी कर्म विधि द्वारा रावण का मृत्यु देह का अग्निदाह दिया था, अर्थात रावण का मृतक शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। इस प्रकार रावण के अंतिम संस्कार का वर्णन सबसे पुरानी राम कथा वाल्मीकृत रामायण में स्पष्ट रूप से आता है। लेकिन कहते हैं कि श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर एक खोज की कि विभीषण को रावण का शव सौंपे जाने के बाद रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। दावा है कि लंका के रेंगला के जंगली इलाके में 8000 फीट की ऊंचाई पर रावण की गुफा है, जहां रावण तपस्या किया करता था। इसी गुफा में आज भी रावण का शव ममी के रूप में 17 फीट लंबे ताबूत में सुरक्षित रखा हुआ है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास लेप लगा है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस बना हुआ है। हालांकि इस दावे का अभी तक कोई वैज्ञानिक परीक्षण और अध्ययन नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि यह रावण का शव इस ताबूत के अंदर हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रावण का जन्म क्यों हुआ था। कहा जाता है कि तुलसीदास रचित रामायण के अनुसार रावण का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। कहते हैं जय और विजय विष्णु भगवान के बैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। एक बार विष्णु भगवान से मिलने सनकादिक ऋषि बैकुंठ पधारे और वहां पहुंचने पर उनकी मुलाकात हुई बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय से। क्योंकि उस समय भगवान विष्णु योग निंद्रा में थे, तो जय और विजय ने सनकादिक ऋषि को उनसे मिलने से मना कर दिया। तब सनकादिक ऋषि ने क्रोध में आकर जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम अपने 3 जन्मों तक राक्षस योनि में पैदा होंगे। जैसे इस बात का भगवान विष्णु को पता चला तो भगवान विष्णु ने सनकादिक ऋषि से अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। तब ऋषि सनकादिक ने जय और विजय के उद्धार के लिए उन्हें एक और वरदान दिया कि जब भी तुम राक्षस के रूप में जन्मोगे तब भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होंगे और उनकी मृत्यु भी भगवान विष्णु के हाथों से ही होगी। जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के यह द्वारपाल पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप राक्षसों के रूप में जन्मे, वहीं अपने दूसरे जन्म में यह कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्मे और अपने तीसरे और अंतिम जन्म में यह द्वारपाल शिशुपाल और दंतवत के रूप में जय और विजय का जन्म हुआ था, जिनके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने 3 बार अलग अलग रूपों में जन्म लेकर इन राक्षसों का वध किया था। वहीं रावण की मृत्यु से जुड़ा हुआ एक तथ्य ये भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब कलयुग अपने घोर चरम में होगा तब रावण फिर से जीवित होगा। अब रावण फिर से जीवित होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। लेकिन ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।